मेट्रो बस किसका? ओ भाई आप मेरे से सारी रात लगे रहे, आप नहीं जीत सकते। मैं जीतना चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के दरमियान हो। मैं भी ट्रेन पॉलिटिशियन के साथ बहस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गलत बात करेगा चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। तुर्की का मंसूबा मेट्रो बस कम्प्लीट किया और इन ट्रेन चाइना का मंसूबा कम्प्लीट किया, तो भाई ईरान कैसे हमें, ईरान कैसे फाइन करेगा जब हम मंसूबा कंप्लीट नहीं करेंगे? आप यहाँ पे जज्बाती बात कर रहे हैं लेकिन देखने वाले हंसेंगे, वो कहेंगे जब आपको खबर कहीं नहीं पता कि मेरे हिसाब से ये जो बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही है कि यार वो मुझे नहीं समझ में आ रही कि जो मोदी है वो यहाँ पर आए या ना आए हमें उससे कोई गरज नहीं है, हमें तो रिलेशनशिप अच्छे चाहिए। ये चीज मैं देखे ना, इन्होंने लॉजिकल बात की, मैं एग्री करता हूँ। 28 मई तकबीर सुन लेना, सुने पीटीआई के यूथिये ना बने, बात सुने, मैं किसी का यूथ बात सुने, बात सुने का अगर हौसला रखें, सच सुनने का हौसला रखें। 28 मई को जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम ने क्यों पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स की ऑफर की? क्यों कहा कि धमाके ना करो और इतने डॉलर तुम्हारे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए जाएंगे? कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि इंडिया वालों ने बिल्कुल कैमरा शैमरा लपेटे और जाके भारत बैठ जाएं, आपको भारत बहुत अच्छा लगता है, आप मानते हैं ये बात? नहीं नहीं, ये बात तो समझ ही नहीं ना आ रही। कोई पाक भारत दुश्मन कुव्वत भी वो नापाक अजाइम में कभी कामयाब नहीं हो सका जो मुल्क के अंदर रहते हुए एक सियासी जत्थे के लीडर इमरान खान ने वो काम कर दिखाया। बोला 75 साल में पाक भारत जो दुश्मन है वो ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया। हम हर बात में तो इमरान वो अपना भारत को क्यों ले आते हैं, ये बात है। दूसरे नंबर पे आपकी बात से ही बात निकलती है कि रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नेबरली और नियरली रिलेशन चाहते हैं लेकिन जो टेररिज्म है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल, थोड़ा बहुत नहीं मुकम्मल कंट्रोल करने की जरूरत है, जो वहाँ पे अटैक होते हैं या जो भी मामला है उनके ऊपर कंट्रोल करने, उनका ये स्टांस है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, अगर मोदी साहब इतना ही सिंसियर हैं तो जब इमरान खान को पकड़ा गया तो इंडिया में एहतजाज किस चीज़ का हुआ? ये तो हमारे अपने सिटीजन, हमारे पाकिस्तान के एक शहरी का एक हुकूमत के साथ इंटरनल मैटर है, बाहर की इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे इसमें मुदाखलत कर सकती है? एहतजाज किस हवाले से हुआ, मुझे मैंने नहीं ये देखा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया इंडिया में किस हवाले से एहतजाज हुआ? अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है जी, जो देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है इमरान खान के अरेस्ट होने पे? और जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ है ना 9 मई को, उससे अगले दिन 10 मई को जब वो कह रहे थे जी लंदन में फलानी जगह पे हॉर्ले से ट्रेन नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पे, उसी दिन भारत के बीच में भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की मजम्मत की गई है। वो ऐसा क्यों करेंगे? आपके ख्याल में वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि यहूदी एजेंट है? तो वो तो यहूदी, इंडिया वाले तो यहूदी नहीं, वो तो अगर आप कहें भी तो वो तो हिंदू एजेंट है, यहूदी और हिंदुस्तानों की लॉबी एक है। यहूदी हमारे हक, अब क्या है, हजरत उमर फारूक का बयान नहीं सुना? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वजीह इकराम का बयान नहीं सुना? अच्छा, के गैर मुस्लिम और यहूदी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, नहीं आप ये बताएं उनके साथ कभी कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि आप उनके साथ रिलेशन ही बेहतर करो, आप उनके साथ ट्रेड ना करो, ये भी कहीं पे इस्लाम में लिखा है? भाई हमारा इस्लाम कह रहा है कि जब वो तुम्हारे जो आपसे देखें ये सवाल आप मुझे बताएं क्या इस्लाम में, इस्लाम में इस्लाम ये कहता है हम यहूदियों की गुलामी में एक यहूदी एजेंड को तस्लीम कर लें? ये भी नहीं कहता कि आप किसी के खिलाफ जो है वो इस तरीके से हमारी माओ बहनों को दुपट्टे उतरवा के जलसों में नचवाने वालों को लीडर मान लें? ठीक है, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है, देखें उसके अंदर वो आप यार आप क्या बात कर रहे हैं भाई, पीटीआई को या जो भी जमात है, आपको तो अपने सवाल की खुद समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना? मुझे अपने सवाल की समझ है, मेरा तो बिल्कुल एक सिंपल सा और क्लियर सा क्वेश्चन है कि उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, सिंपल चाहते हैं बेहतर है, आप नहीं क्योंकि इमरान खान उनका मोहरा है, इमरान खान आइटम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जो वो 3 साल से है इमरान खान साहब या 4 साल से 5 साल से जो गवर्नमेंट में प्रॉपर आए हैं, उससे पहले तो नवाज शरीफ रहे हैं आपकी पार्टी के, या कितने साल रहे हैं नवाज शरीफ साहब? हाँ 3 बार उन्होंने हुकूमत में आए हैं, मुझे दुरानिया बताएं, कम अज कम भी 8 से 9 साल रहे हैं दुरानिया, डेढ़ दो दो 9 साल में दिया क्या गिनवाऊं? नहीं शुरू करूं मैं की बात करें, अभी मैं शुरू करूंगा और आप कैमरा बंद करके आगे चलते बनेंगे, शुरू करें मैं शुरू करता हूं फिर, पहली मोटरवे, दूसरी मोटरवे, तीसरी ग्रीन लाइन, तीसरी ऑरेंज लाइन, चौथी मेट्रो बस, पांचवी फिर मेट्रो बस, छठी फिर मेट्रो बस, अब फिर पाकिस्तान से लाहौर से
हम डायरेक्टली बाई रोड मक्का जा रहे हैं। जबरदस्त अफगानिस्तान के साथ नवाज शरीफ बुरा है, नवाज शरीफ को सजा क्या मिली इसके बदले? बाई रोड मक्का एक एक बार हाईजैकर बना के नाहल किया, अब बाई रोड मक्का जा रहे हैं पाकिस्तान से। हाँ जी हाँ जी भाई, आधा रास्ता कराओ खुदा, आधा ना को सच्ची गल करो। देखें वो भी आपकी इस बात से क्या रोड की भाई, कल जो आप ईरान के तस्वीर आए हैं, ईरान बॉर्डर का जो इफ्तिताह हुआ वो क्या होगा? ईरान ने ये भी कह दिया कि आपको फाइन किया जाएगा, और वो भी बड़ी तादाद में, अगर आपने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को जो है वो ना कंप्लीट किया। आप आधी खबर ना सुनाए, ये क्या फाइन किस चीज का? पाकिस्तान ने आगे कितने मनसूबे अनकम्प्लीट छोड़े हैं, और ट्रेन किसका? चाइना का मनसूबा है पूरा किया, मेट्रो बस किसका? ओ भाई आप मेरे से सारी रात लगे रहे, आप नहीं जीत सकते। मैं जीतना चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के दरमियान हो। मैं भी ट्रेन पॉलिटिशियन के साथ बहस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गलत बात करेगा चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। तुर्की का मनसूबा मेट्रो बस कम्प्लीट किया, और इन ट्रेन चाइना का मनसूबा कम्प्लीट किया, तो भाई ईरान कैसे हमें ईरान कैसे फाइन करेगा जब हम मनसूबा कम्प्लीट नहीं करेंगे? आप यहाँ पे जज्बाती बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले हंसेंगे, वो कहेंगे जब आपको खबर कहीं नहीं पता कि ईरान ने तो फाइन का कहा प्रॉपरली, ये इंटरनेशनल फाइन का कहा है, फाइन का उस सूरत में कहा है कि मनसूबा कम्प्लीट नहीं होगा। अब वो मनसूबा बताएं जो इंटरनेशनल सतह का हमने मनसूबा कम्प्लीट ना किया हो। बता तो रहा हूँ, ईरान पाकिस्तान गैस लाइन नहीं कम्प्लीट किया, ये भी आप नेट निकालें, आपके पास नेट है, एक मिनट अभी निकाल के सर्च करें कि क्या वो जो हमारा प्रोजेक्ट था ईरान पाकिस्तान का, ईरान ने प्रॉपरली ये अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान किस वजह से नहीं कम्प्लीट हुआ? ये तो अब आपको पता है ना, आप पॉलिटिशियन है, मैं तो पॉलिटिशियन किस वजह से नहीं हुआ पता है आपको? किस वजह से नहीं हुआ? ईरान की जंग बंदी के दरमियान ये मनसूबा बंद हुआ था, तो हम प्रेशर में आ गए, इसका मतलब है उनकी तरफ से ये कम्प्लीट है हमारे। एक मिनट मेरी बात सुने, 24 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, ठीक है, नए सर्वे के मुताबिक हम एक मनसूबा शुरू करने जा रहे हैं, आपके चीफ जस्टिस के ही ये रिमार्क्स है, और दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाए कि जहां पर जंग बंदी के मामला होते हैं ना, वहां पर कानून भी खामोश हो जाता है, ये तो एक गैस पाइपलाइन का मनसूबा है। दूसरी बात सुने, अब तसल्ली रखें, आपने सवाल किया आप जवाब लें। मैं ले रहा हूं, लेकिन आप साथ आप भी ये चीज जवाब लें, सवाल दिया जवाब दें। पीटीआई के लीडर जो है इमरान खान साहब, उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो इंडिया में आपने ये बोला इंडिया में प्रोटेस्ट बिल्कुल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आते हैं, लाहौर में आते हैं, आपके लीडर के साथ वो मतलब उनके फंक्शन में आते हैं, तो तब नहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए क्या? आए के नहीं, वो पीएम मोदी साहब इंडिया में पाकिस्तान में आए के नहीं आपके लीडर? इंडिया से पाकिस्तान जब आए, क्यों आए? हमने बुलाया था आपके लोग, आपके लीडर ने नहीं बुलाया? नहीं, आप लोगों ने नहीं बुलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया, बिन बुलाई शादी पे आ गए? नहीं 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 नहीं, ये आप बिल्कुल क्लियरली बात कह रहे हैं। मेरी बात सुने, आप अगर रात फुल हाइट वाली छत पे के ऊपर कभी बैठते हैं ना, तो अगर आप एयरपोर्ट के कहीं नजदीक बैठे तो पाकिस्तान की जो हदूद है ना, वो भारत की फ्लैट से मुंसलिक है, भारत यहाँ से गुजरने का टैक्स पे करती हैं, ठीक है? नहीं, वो जो शादी पे है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने बोला इमरान खान के पकड़े जाने, मैं पूरी बात सुने ना, जब आप किसी मेहमान मुल्क से गुजरते हैं, गुजरते हुए आप कहते हैं जी आपके और मेरे अदवार के बीच में ताल्लुकात अच्छे हैं, तो क्या आप गुजरते हुए मुझे मुलाकात नहीं करके जाएंगे? चले मान लिया उनके दौर में तल्लुका ठीक थे, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, तो यही बात अगर इमरान खान साहब करें या कोई और लीडर करे तो आप कहते हैं एजेंट है, ये क्या मतलब? ये बात नहीं ना समझ आई कि अगर कोई और लीडर रिलेशन बेहतर करने की बात करे तो आप कहते हैं वो यहूदियों से रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो हिंदुओं से रिलेशन बेहतर। एक मिनट, ये मंदिरों के इफ्तिताह किसने किए? ये देखे ना, किसने किए बताए जरा, बताए कौन से मंदिर का इफ्तिताह हुआ है? आपको ये नहीं पता पाकिस्तान में किस मंदिर का गवर्नमेंट लेवल पे इफ्तिताह हुआ है? परवेज घटक साहब ने किया, वीडियो मौजूद है। क्या वो मंदिर कंप्लीट हुआ है? वो मंदिर कंप्लीट हुआ, आरती उतारी जा रही है, आप किधर की बातें कर रहे हैं यार? आप अपने चैनल को फेमस करना चाह रहे हैं? किस्सा मुख्तसर करें, जो आप सवाल किया उस सवाल पे आए। आपने इन्होंने ये पहले बात की कि जब इमरान खान अरेस्ट हुए तो इंडिया में प्रोटेस्ट किया गया, और सवाल का जवाब देखें, सवाल के साथ, और फिर अपने इनके लीडर, मेरी एक मिनट, जब अपने इनके लीडर जो उनसे हैं वो बुलाते हैं नरेंद्र मोदी साहब को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, तब ये कहते हैं रिलेशन बेहतर, और अगर इमरान खान या कोई और बात करे तो ये कहते हैं इंडियन एजेंट या यहूदियों का एजेंट, ये क्या बेहतर बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये जो बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही है कि यार वो
मुझे नहीं समझ में आ रही कि जो मोदी है वो यहाँ पर आए या ना आए, हमें उससे कोई गरज नहीं है, हमें तो रिलेशनशिप अच्छे चाहिए। मैं देखे ना, इन्होंने लॉजिकल बात की है, मैं एग्री करता हूँ। आप बात ये करते हैं कि अगर एक सरकार का भी कॉल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है, उनका भी ये कॉल है कि है ना कि पहल मत करो, जब रिलेशन बेहतर होने चाहिए पहल मत करो। आप कहते हैं कि भाई हम वो हमारे सुने, जब यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, गैर मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते, जब वो हमारी हर बार 75 साल तारीख उठा के देख लें, भारत ने कभी हमारा अच्छा सोचा है तो गैर मुस्लिम है या मुसलमान? 28 मई यौमे तकबीर, 28 मई यौमे तकबीर सुन ले ना, सुने पीटीआई के यूथिये ना बने, बात सुने, मैं किसी का यूथ बात सुने, बात सुने का अगर हौसला रखें, सच सुनने का हौसला रखें। 28 मई को जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था, तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम ने क्यों पाकिस्तान को बिलियन डॉलर्स की ऑफर की? क्यों कहा कि धमाके ना करो और इतने डॉलर तुम्हारे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए जाएंगे? कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि इंडिया वालों ने ऑफर की? बिल्कुल, यानी एक साइड पे ये कहते हैं कि हमने एटम बम बनाया इंडिया के लिए, दूसरी तरफ हम उनकी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और वो भी ऑफर हमें देंगे, क्या मतलब वो उन्होंने ऑफर दी? नहीं नहीं, ये बात तो समझ ही नहीं ना आ रही, कोई बात ही नहीं ना, कोई लॉजिक ही नहीं ना इस बात में। हुए सर बहुत गलत बात है, मर गया जुल्फकार अली भुट्टो, उसने कहा था मेरी कौम घास खाएगी और कहा नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया, कहाँ गया भुट्टो? भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है, जिए भुट्टो। चले जज्बात की बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। मुझे ये बताएं, एक साइड पे इन्होंने ये बोला कि जब यहूदी हो या हिंदू हो वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, उन्होंने ये बोला, और दूसरी साइड पे ये कहते हैं कि वो नवाज शरीफ के दौर में रिलेशन बेहतर थे, अगर वो पीएम मोदी आ गए तो अच्छी बात है, रिलेशन बेहतर, यानी अगर कोई और पार्टी बुलाए या रिलेशन बेहतर करने की बात करे तो ये कहते हैं नहीं, और नवाज शरीफ करें तो कहते हैं ठीक है। ऐसे ही मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बात को थोड़ा सा ना घुमा फिरा के कर रहे हैं। इस तरह की बात मुख्तसर ये बात जो मौजूदा चल रहा है ना, जो मौजूदा चल रहा है, ये जो मसल के धरनों पे ताल्लुकात के हक में इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी निगाह हमारे एटम के ऊपर है, जो एग्री करते हैं एटम के ऊपर हमारे मुल्क के ऊपर गलत निगाह रखेगा, हम अपनी जानों का नजराना पेश करके हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, क्योंकि पहले मेरा मुल्क है उसके बाद मेरी पाक फौज है, ये दो रेड लाइनें जो क्रॉस करेगा खुदा की कसम इंड से इंड बजा देंगे, चाहे वो मेरे उम्मते मुस्लिमा का मेरा अपना लीडर हो, कोई भी हो, पहले मेरा मुल्क है और उसके बाद मेरी पाक फौज है, पाक फौज है तो हम हैं, पाक फौज नहीं है तो हम नहीं हैं। जो जवान जो माओ के लाल हर साल हजारों की तादाद में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले सियासी लीडर भी इस मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। आखिरी पैगाम दूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम पर, आसिम मुनीर साहब आप खुल के पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करें, जो जो गलत अफराद हैं जिन्होंने सियासी इमा के ऊपर पाकिस्तान की तनसीबात को, फातिमा जिना के घर को, कायद आजम मोहम्मद अली जिना के घर को नुकसान पहुँचाया, हम आपके साथ सीना तान के खड़े हैं, बिला जवाज कार्रवाई की जाए, और जो 9 मई को 600 अरब रुपए का इस मुल्क का ताजरों का नुकसान हुआ उसको आईन और कानून के तहत पूरा किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिलेशन बेहतर चाहते हैं कि नहीं इन नेबर्स के साथ, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? ये एजुकेटेड बात करिएगा, जज्बात में तो कोई भी कुछ कह सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले बात नेबर्स की, नेबर्स से ताल्लुक मैं तो इस फेवर में कि बेहतर होने चाहिए, क्योंकि खिते में अमन होगा तो तरक्की होगी, अमन के बगैर तो तरक्की हो नहीं सकती, तो इसलिए बेहतर है कि हमारी खुशहाली के लिए भी ज़रूरी है कि खिते में अमन हो और इनसे ताल्लुकात बेहतर हों। ये ना, ये एक एजुकेटेड माइंड सेट है कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए। यहाँ पे खड़ा होकर मैं जज्बाती तौर पे नारे लगा दूंगा, इंडिया के खिलाफ लगाऊंगा, इवन अफगानिस्तान या इवन चाइना के खिलाफ, तो क्या उन्हें कोई नुकसान होगा? नहीं, आप इधर खड़े होकर गालियां निकालें तो कोई नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान होगा, बस मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में अभी 9 मई को हुआ ना, ये गलत हुआ, ये तो हमारा
ये हमारा अपना मसला है, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, किसी के मुल्क की नहीं बात कर सकते हम। जी जी, रिलेशन कैसे हो? रिलेशन हमारा घर कैसा है? हमारा घर पाकिस्तान है। डेफिनेटली अपने घर को बेहतर करना है। अच्छा, लेकिन रिलेशन भी बहुत मैटर करता है। हम कहीं बाहर जाएंगे, रिलेशन बेटर करने के लिए हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए। जी आजकल आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो मसला चल रहा है एशिया कप और वर्ल्ड कप का, वो ही नहीं हैंडल हो रहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। यार कैसे नहीं हो सकता? क्या आप क्यों नहीं इंडिया जाना चाहते? अगर जाओगे तो वो आएंगे ना। अगर तुम लोग पहले कह रहे हो कि हम जा ही नहीं रहे, रिलेशन अगर हम डायरेक्ट ये कह देंगे जैसे ये भाई ने बोला, मैं उनसे डिसएग्री एग्री वाली एक लहदा मैटर है, लेकिन ये है कि जज्बात में आगे हम ये कह दें हम इंडिया से रिलेशन चाहते ही नहीं, और भाई उसका क्या नुकसान है, उनका क्या नुकसान है? ऐसा नहीं है, मैं दुबई में था तो ना वहाँ पर ना मैंने सोशल पे ही देखा कि वहाँ पर ना वो बनाए गए हैं जो भगवान के, इनको वो क्या बोलते हैं, मंदिर बनाए गए, वो मंदिर वहाँ पे बनाए गए, वहाँ पे अरबी इन्होंने कदूरा पहना हुआ था, तो वो वहाँ सब पूजा भी कर रहे हैं, ये वो मसलन के इस्लाम के मामले मैंने देखे, तो मैं कहा यार ये इस्लामी हैं और ये कहते हैं कि पहले हम मुसलमान हुए हैं। अरबी जो बोलते हैं ना, वो अरबियों के मुँह से मैंने खुद सुना है, वो खुद ही बोलते हैं कि हम पहले सबसे पहले मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं थे पहले, अब बाद में हुए हैं। ऑथेंटिक भी है हिंदुस्तान में या बरसगीर में भी आ रहे हैं, वो साहबों से चलते हुए आ रहे हैं, असल में उनके बहुत अजदाद हैं जो वो साहबों से आ रहे हैं। तो अगर वो लोग रिलेशन बेहतर कर सकते हैं तो हम उनको ही फॉलो करते हैं। लेकिन 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 ये भी तो देखें ना आप कि वो जब उनके उनके मंदिरों में वहाँ पर रियासल खैमा है, वहाँ पर ना एक ना सरहद है रियासल खैमा, वहाँ पर जाकर उन्होंने ना एक ना मंदिर बनाया हुआ, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दुबई में। हाँ जी, दुबई में। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, इस तरह। अब बिलावल भुट्टो भी गया तो वहाँ पर उसने भी आरती उतारी, उसकी भी सोशल पे बड़ी वीडियो आई है, सोशल पे आई होगी, सोशल मीडिया जो आ रही है सोशल पे आ रही है, हम खुद नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। अब जो देख रहे हैं सोशल ही दिखा रहा हूँ आपको, सोशल ही बता रहा हूँ। ये माशाल्लाह हमारा सोशल इतना फास्ट हो गया है, कहीं की खबर किसी टाइम भी 2 मिनट में आ जाती है। हमें हर बात सोच समझ के करनी चाहिए, हम मतलब अभी जज्बात में कोई भी बात करते, इसी टाइम अभी व्हाट्सएप में खोलूंगा तो सोशल थर आएगा, ऐसे आएगा जैसे कि किसी के घर का मैसेज मिला, पूरी दुनिया की खबर आए, सब दुनिया की आएगी, फ्रांस की, इधर उधर सब जगह की सोशल मीडिया। अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, मैंने अपने दिल में सोचा कि यार आप सरकार का भी कॉल है कि तुम किसी को मुंह से नहीं कह सकते ना, तो कम से कम अपने दिल में कहो, अपने दिल में, हम अपने दिल में बुरा रखते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। अभी जो कायदे अजम के घर पर इस तरह का हमला हुआ, ये हमारे इस्लाम में नहीं है कि यार वो एक लीडर था जांबाज सिपाही था, जांबाज था, एक ऐसा वकील था पाकिस्तान या पूरी दुनिया में ऐसा वकील कहीं नहीं पाया गया। इस बात से तो 100% एग्री करता हूं कि जो 9 तारीख को हुआ, जो इस तरीके से कोर कमांडर के घर में जिना हाउस में जो हुआ 100% गलत है, जिसने भी किया है वो गलत है, मैं ये क्लियरली कहता हूं। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट करना पाकिस्तानियों का राइट है। ये बताएं, बात हमारा टॉपिक रिलेशन के ऊपर था जो रिलेशन बात ये रिलेशन उस हद तक करें जितनी हद तक समझी जाए। अब आपको मैं लीडर बनाता हूँ, आप लीडर बनते हैं, आप रिलेशनशिप करने के लिए कहीं और में लग जाते हैं, आप उनके साथ उनके लिबास में या उनके खाने पीने में या उनके रहन सहन में तो नहीं जा सकते ना। अगर जो आप उनके खान पीने में रहन में जाएंगे तो हमें बुरा लगेगा, ठीक है। और कोई कहता भी नहीं आपको, क्या इंडिया वाले ये कहते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज आपने रिलेशन बेहतर करने हैं तो हमारे खाने पीने के और हमारे लिबास में ऐसे हो रहा है ना, इस तरह हो रहा है ना अरब वाले, ये तो गलत बात में क्या हुआ है, वो उनका कंसर्न है, हमने पाकिस्तान की बात कर, हमारा पाकिस्तान भी है। अब बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाके क्या कर रहा था सर, एक मिनट, बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाके आरती उतारी है, वो दूध के साथ, वो उसके वो उनका सांप का जो बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, वहाँ पर पानी उनको दूध डाल रहे हैं। जब गए ये तकरीबन इस बात को 4 साल हो गए दुबई में उन्होंने। अच्छा, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे रिलेशन पे? आज वो गलती कल हो, गलती तो गलती होती है यार। मैं तो कहना चाहता हूँ रिलेशन सबसे बेहतर होने चाहिए। मैं पीडीएम के बहुत ज्यादा खिलाफ भी हूँ, लेकिन सियासी इख्तलाफ अपनी जगह रखते हुए मैं ये बात कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, उसने जो इंडिया का दौरा किया है, तल्लुकात इसी तरह बेहतर होते हैं, हम जाएं अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही जी बिल्कुल, वो आएंगे हम जाएंगे, ऐसे ही एशिया कप में जाएंगे या वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, तो तल्लुकात इस तरह बेहतर नहीं बेहतर का कुछ नहीं हो सकता इस तरह। हम अब आपकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है, लेकिन मेरी सोच क्या, पिछले रमजान की जो बात है, पिछले रमजान की, सडनली ज्यादा दूर ना जाओ, पिछले रमजान में जो ना वहाँ पर यतीम खाने में जो मामला तो हैं वो क्या थे यार, क्या मामला तो वहाँ पर जो ना उन्होंने धरना दिया, उन्होंने सब क्या क्या ना क्या उन्होंने सिर्फ क्या मुतालबा किया कि फ्रांस के सफीर को यहाँ पर ना लिया जाए। आप सरकार खाके शेयर कर रहे हैं, वो जब वो खाके शेयर कर रहे हैं हमारे दिल को बुरा लगता है, हमारे दिल को बुरा लगता है यार। हम एक चीज़ को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम हमारे बाप अजदाद जो हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं।
अब उनके खाके शेयर करेंगे, हमारे दिल को बुरा लगता है। जो भी हमारे मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा हमें बहुत बुरा लगेगा। आपको एक चीज, जब आपको एक चीज का पता लग गया है कि यार ये बंदा है या ये मुल्क है।